हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उदय और विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएँ क्या हैं और लोक कल्याणकारी राज्य के अनुसार राज्य का कार्य क्या होता है। इन समस्त बिंदुओं पर फ्रेंड्स हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे और सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, बस आप वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अच्छे कॉन्टेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में। फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी राज्य का जो टॉपिक है छोटा है, लेकिन इससे जो है 5-7 प्रकार 10 प्रकार से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आज की इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और फिर आपको इस टॉपिक से कोई परीक्षा में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। लोक मतलब होता है जनता, कल्याण का मतलब होता है जनता के कल्याण के लिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। ऐसा राज्य जो संपूर्ण जनता की भलाई के लिए, किसी वर्ग विशेष की भलाई के लिए नहीं बल्कि पूरी जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, उसे हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। यहाँ पर दो परिभाषाएँ लिखी गई हैं जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे TW Kent की परिभाषा है कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। व्यापक सामाजिक सेवाओं मतलब अस्पताल बनाना, सड़क यातायात की परिवहन की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है, उनके कल्याण के लिए व्यापक रूप से कार्य करता है, वह लोक कल्याणकारी राज्य में आता है। ये TW Kent की परिभाषा है, आप इसको जैसे लिखा गया शब्दावली वैसे ही रट लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, यानी अवसर की समानता होनी चाहिए, और अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर मिटाना, यानी जो अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक असमानता है, इस असमानता को मिटाना, कम करना। देखिए, असमानता को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, ये तो बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, लेकिन असमानता अधिक हो जाएगी तो ये खतरनाक होता है। तो गरीब और अमीर के बीच का अंतर कम से कम कम किया जाए, यानी सबको न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति हो, ऐसी व्यवस्था हो, और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यही लोक कल्याणकारी राज्य का जो है आधारभूत तत्व है। तो यह परिभाषा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी राज्य का जो उदय हुआ है वो 20वीं शताब्दी में हुआ। उदय कब हुआ? उदय 20वीं सदी में। लोक कल्याणकारी राज्य का उदय 20वीं सदी में हुआ है, लेकिन इसका जो विचार है वो नया नहीं है। आप बहुत प्राचीन काल से देखेंगे तो ये विचार जो है वो कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहा है। जो रामायण काल में राम राज्य की अवधारणा थी वो वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य पर ही आधारित थी। तुलसीदास ने राम राज्य के बारे में रामचरितमानस में लिखा कि नहीं दरिद्र नहीं दुखी दीना और नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना, यानी राम राज्य ऐसा राज्य है जिसमें न तो कोई व्यक्ति दुखी दरिद्र रहेगा, न तो कोई दुर्भाग्यशाली होगा, न कोई बुद्धहीन होगा, यानी सबके हित के लिए कार्य होगा। तो यह जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम राज्य के विषय में जो लिखा है वह लोक कल्याणकारी राज्य की ही तरफ इशारा करता है हमारा। लेकिन फ्रेंड्स, इसका जो विकास हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य का वो 20वीं सदी में हुआ, यानी लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो किस युग की देन है? आधुनिक युग की देन है। और आधुनिक युग के साथ यह विचारधारा जो है इतनी घुल मिल गई है कि इसको अब अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। आधुनिक युग में कल्याणकारी राज्य का जो उदय हुआ है वो उदारवादी सिद्धांत से ही हुआ है। मैंने आपको इसके पहले बताया था, इसके पहले हमारा वीडियो जो है उदारवाद का आ चुका है, व्यक्तिवाद का आ चुका है। देखिए, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, व्यक्तिवाद, उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य और न उदारवाद। तो व्यक्तिवाद और उदारवाद मैंने आपको पढ़ा दिया है, लोक कल्याणकारी राज्य चल रहा है और इसके बाद न उदारवाद का वीडियो आएगा। तो इसके पहले का दोनों ये सब स्टेप हैं, छत पर आपको पहुँचना है तो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी होगी।
एक सीढ़ी फाद करके अगर आप ऊपर चढ़ने का प्रयास करोगे तो गिर जाओगे। इसीलिए आपको एक क्रम से बताया जाता है ताकि पिछले चीज़ें जो आप पढ़े रहेंगे तो आगे की चीज़ें आपको समझने में आसानी रहेगी। व्यक्तिवाद को यदि आपने समझा है तो उदारवाद को समझ में आएगा, व्यक्तिवाद उदारवाद को समझ लिया है तो लोक कल्याणकारी राज्य समझ में आ रही है। और अगर लोक कल्याणकारी, व्यक्तिवाद, उदारवाद तीनों को यदि आपने पढ़ा तो इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो नव उदारवाद वो समझ में आएगा। इसलिए आपको जरूरी है कि इसके पहले के जो हमारे व्यक्तिवाद और उदारवाद के वीडियो आए हैं यदि आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है ये उदारवाद से हुआ है, सकारात्मक उदारवाद से। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उदारवादी सिद्धांत से ही लोक कल्याणकारी राज्य का उदय और विकास हुआ है। तो इसके उदय और विकास को हमको समझने के लिए कि इसका उदय और विकास कैसे हुआ है इसको थोड़ा सा हमको पीछे आना पड़ेगा। तो देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का उदय हुआ, ये आपको बताया गया था। व्यक्तिवाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का उदय हुआ जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर दिया और ये कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य को व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया, लेसे फेर का सिद्धांत दिया कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिए। यदि वह अकेला स्वतंत्र रूप से रहेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा तो वह अपना विकास अच्छे से कर सकता है। यह सब आपको व्यक्तिवाद में पढ़ा दिया गया था। ये राज्य को सीमित कार्यों का समर्थन करते हैं कि राज्य जितना कम से कम कार्य करेगा व्यक्ति जो है उतना अधिक स्वतंत्र रहेगा। तो इस तरह से व्यक्तिवाद जो है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए इसके सीमित कार्यों का समर्थन करते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर देते हैं। तो 16वीं 17वीं शताब्दी से जब इस सिद्धांत का उदय हुआ 19वीं शताब्दी तक यह सिद्धांत खूब फला फूला, लेकिन 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत के जो बुराइयां थी वो उभर कर सामने आने लगी। व्यक्तिवाद के अपनाने के बाद से अमीर और गरीब के बीच की जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ने लगी। और जब समाज में अगर आर्थिक असमानता बढ़ेगी तो एक तरफ भूखमरी की कगार पर अधिकांश वर्ग आ जाएगा और पूंजी जो है कुछ लोगों के हाथ में सिमट जाएगी, तो वही स्थिति हुई। इसीलिए इसकी कमियां आ गई, इसमें जो बुराइयां आई इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया साम्यवाद ने। इसके विरोध में जो विचारधारा उदय हुआ उसका नाम है साम्यवाद। साम्यवाद ने व्यक्तिवाद की बुराई को लोगों के सामने रखा और ये कहा कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था से छुटकारा पाना है, आर्थिक असमानता को समाप्त करना है, तो हमको इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना होगा। अब पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके ही आर्थिक समानता लाया जा सकता है। तो इसलिए पूंजीवाद को समाप्त करने की विचारधारा किसकी है? साम्यवाद की। और यह कहता है कि जब पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा तो उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा? समाज का नियंत्रण होगा। ये उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति के नियंत्रण स्वीकार करते हैं, सब कुछ प्राइवेट हो इसकी बात करते हैं। और ये कहता है प्राइवेट कुछ भी ना हो, सब समाज के अंडर में हो, ये इसकी बात करता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, व्यक्तिवाद और साम्यवाद। व्यक्तिवाद के विरोध में किसकी उदय हुआ? साम्यवाद का उदय हुआ। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप देखेंगे कि दोनों विचारधाराएं जो हैं वो अति है। किसी चीज़ का अति जो है बहुत बुरा होता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बरसात भी अच्छी लगती है हमको, धूप भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर अति हो जाता है तो कहते हैं गर्मी से परेशान होते हैं, हे भगवान गर्मी बहुत हो गई है, बारिश आ जाए, ज़्यादा बारिश आ जाए तो भगवान बंद कीजिए कितना कर बरसेंगे, थोड़ा ठंडा आ जाए, मौसम ठंडा हो जाए, ठंडा आ गया ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी, अरे भगवान थोड़ा गर्मी आ जाता। तो अति जो है वो हर चीज़ का बुरा होता है। व्यक्तिवाद जो है और साम्यवाद दोनों अतिवादी सिद्धांत है। अतिवादी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए व्यक्तिवाद जो है व्यक्ति की अत्यधिक स्वतंत्रता पर बल देता है और साम्यवाद जो है यह आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। साम्यवाद जो है किस पर बल देता है? आर्थिक सुरक्षा पर, आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। समानता पर बल देता है, समानता और आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है, जबकि व्यक्तिवाद जो है केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता माने उत्पादन के समस्त साधनों पर केवल व्यक्ति का नियंत्रण हो, सब कुछ प्राइवेट हो, यह व्यक्तिवाद कहता है, ये भी अति है। और सब कुछ समाज के नियंत्रण में अधीन हो, व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, ये भी अति है। तो इन दोनों अतियों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और इन दोनों अतियों के बीच, इन दोनों विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य।
लोक कल्याणकारी राज्य। तो इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो व्यक्तिवाद और साम्यवाद के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक सफल प्रयत्न है। ये स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा और समानता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रयत्न है। इसीलिए हाफमैन ने लिखा है, एक हाफमैन का स्टेटमेंट है जो मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखा नहीं गया अभी ब्लैक बोर्ड पर, अब बहुत पूछा हुआ स्टेटमेंट है, अभी ध्यान आया। तो हाफमैन ने लिखा है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। हाफमैन, देखिए हाफमैन ने क्या लिखा है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। यानी कि इसने जो है इन दोनों अतियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है, उसी बात को इंगित करते हुए हाफमैन ने कहा है। तो फ्रेंड्स यह परिभाषा पूछा हुआ है और इसलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, देखिए आज मैं फिर बता दे रहा हूँ कि देखिए व्यक्तिवाद में व्यक्तिवाद कहो और चाहे नकारात्मक उदारवाद कहो, दोनों एक ही है। पिछले वीडियो मैंने इसको समझा दिया था आपको। व्यक्तिवाद में जब लोकतंत्र को मिला दिया गया, लोकतांत्रिक सिद्धांत मिला दिया गया, ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांत मिल गए, व्यक्तिवाद प्लस लोकतांत्रिक सिद्धांत, तो बनता है सकारात्मक उदारवाद, ठीक है। और जब उदारवाद में हम समाजवाद के गुणों को मिला देते हैं तब जाकर के बनता है लोक कल्याणकारी राज्य। तो फ्रेंड्स व्यक्तिवाद में अगर लोकतांत्रिक सिद्धांत को मिला देंगे ये तो सकारात्मक उदारवाद बन जाएगा, और उदारवाद में समाजवाद के गुणों को मिला देंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए इसको देख लीजिएगा कि सकारात्मक उदारवाद किसका मिश्रण है, तो व्यक्तिवाद और लोकतंत्र का मिश्रण है, और जो लोक कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण है, ये उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है, ठीक है। अगर उदारवाद की जगह सकारात्मक उदारवाद दिया है तब भी सही है, अगर सकारात्मक उदारवाद न देकर के केवल उदारवाद दे दिया है तब भी सही है। उदारवाद प्लस समाजवाद इक्वल टू लोक कल्याणकारी राज्य। अब थोड़ा हम देखते हैं फ्रेंड्स लोक कल्याणकारी राज्य का उदय और विकास कैसे हुआ। फ्रेंड्स लोक कल्याणकारी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है आर्क बिशप टैनिल ने किया था। आर्क बिशप टैनिल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पुस्तक में जो है लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये भी पूछता है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। लेकिन इस विचारधारा का, जो लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा है, इसका अग्रदूत जो है हम ग्रीन को मानते हैं। ग्रीन को इसका अग्रदूत क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि ग्रीन ने उस समय के तीन सामाजिक बुराइयों को अज्ञानता, दरिद्रता और नशाखोरी को हम लोग महायान के नाम से जानते हैं, पिछले वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो अज्ञानता, दरिद्रता और नशाखोरी, ये तीन सामाजिक बुराइयां को ग्रीन ने पहचाना और कहा कि इनको दूर करने के लिए राज्य को व्यक्ति के जीवन में सीधे हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े तो सीधे कर सकता है। यहीं से लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसीलिए ग्रीन के इस विचारों के कारण ग्रीन को जो है लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत हम मानते हैं। लेकिन इस दिशा में लोक कल्याणकारी राज्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है बेबरिज रिपोर्ट 1943 का है। बेबरिज रिपोर्ट क्या है फ्रेंड्स, तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में
आप जानते हैं कि विश्व में अब तक दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में, जब विश्व युद्ध चल रहा था प्रारंभ में, क्या उसके दौरान ही, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है, जो ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने यूके के सामाजिक सेवाओं और कल्याणकारी स्थिति की जांच करने के लिए कि क्या स्थिति है इस क्षेत्र में, एक समिति बनाई और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया विलियम बेबरिज को। अब विलियम बेबरिज ने अपनी रिपोर्ट में 5 सामाजिक बुराइयों का पता लगाया, बीमारी, बेरोजगारी, भूखमरी, अज्ञानता और आश्रय भाव। ये 5 सामाजिक बुराइयों का पता जो है बेबरिज ने लगाया और अपनी रिपोर्ट में इस बात को समर्थन उसने किया, इस बात को कहा बेबरिज ने कि इन 5 सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, अर्थात ये जरूरत पड़े समाज और व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने की तो उसको करना चाहिए। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और चुनाव में इस बेबरिज रिपोर्ट का समर्थन करने वाली जो वहाँ की पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। इस लेबर पार्टी की जीत होती है, ये जो है इस रिपोर्ट का समर्थन करती है तो इसकी जीत होती है। अब क्लीमेंट एटली जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट एटली, ये नाम इसलिए भी फेमस है फ्रेंड्स कि क्लीमेंट एटली बड़े उदारवादी थे और भारत में स्वतंत्रता का मार्ग भी इन्हीं के आने से प्रशस्त होता है। भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो क्लीमेंट एटली ने ही भेजा था। तो क्लीमेंट एटली जो है ये उदारवादी थे और इन्होंने बेबरिज रिपोर्ट को लागू किया इंग्लैंड में। और चूंकि यह रिपोर्ट सबसे पहले इंग्लैंड में लागू हुई इसलिए ब्रिटेन को पहला लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं, पहला लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ब्रिटेन प्रथम, फर्स्ट लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, चूंकि फ्रेंड्स 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति बड़ी बदहाल हो गई थी, कंगाली कगार पर खड़े हुए थे। कितने देश जो है उस जो संपन्न थे वो जो है कंगाली कगार पर आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में यह महसूस किया जाने लगा कि राज्य को आर्थिक व्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए, जो चरमराई हुई आर्थिक व्यवस्था है इसकी फिर से बनाने के लिए राज्य को आर्थिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसको अपने हाथ में लेना चाहिए और यहीं से कल्याणकारी राज्य का उदय शुरू हो जाता है। तो कल्याणकारी राज्य का जो है उदय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से होता है और ये 1970 ईस्वी तक इसका चरमोत्कर्ष रहता है। 1970 ईस्वी तक विश्व के अधिकांश देशों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। राज्य जो होते हैं वो जन कल्याण के व्यापक कार्यों को अपने हाथ में लेते हैं, आर्थिक क्रियाओं में राज्य का नियंत्रण होता है और यह स्थिति जो है 1970 ईस्वी तक चलती है। इसके बाद फ्रेंड्स न उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हो जाता है 1970 के बाद। तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो समय था 1970 ईस्वी तक था। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं क्या होती हैं और लोक कल्याणकारी राज्य के अनुसार राज्य का कार्य क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। कल्याणकारी राज्य जो है वो अपने नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराता है। आर्थिक सुरक्षा में न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था करता है। न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं क्या होती हैं, यानी हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, ये व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रोटी मिलना चाहिए, भूखा ना रहे कोई, प्रत्येक व्यक्ति को कपड़ा उपलब्ध होना चाहिए, उसके लिए मकान होना चाहिए रहने के लिए, ये न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता में आती है और ये जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो कल्याणकारी राज्य जो है वो क्या करता है, न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है अपने नागरिकों के लिए करने का प्रयास करता है। इसके अलावा सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करता है कि नागरिक के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इस दिशा में जो है राज्य जो है वो प्रयास करता है। आर्थिक समानता का प्रयास, कल्याणकारी राज्य ये प्रयास करता है कि समाज में जो है आर्थिक असमानता न हो। उदारवाद में और व्यक्तिवाद में आपने देखा होगा, व्यक्तिवाद उदारवाद में, खासकर नकारात्मक उदारवाद में आपने देखा है कि उसमें जो है आर्थिक असमानता बढ़ती आती है, समाज में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जाती है। जब हम गरीब और अमीर के बीच की खाई की बात करते हैं, बढ़ने की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है कि अमीर के कुत्ते तक पनीर खाते हैं और गरीबों को रोटी तक मुहैया नहीं होती है, ये स्थिति होती है।
इसे कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ना, कि एक कुत्ता जो है वो जो है पनीर खा रहा है और दूसरे के पास खाने के लिए रोटी तक मुहैया नहीं है। तो कल्याणकारी राज्य इस अंतर को पाटने का प्रयास करता है। मैंने कहा कि आर्थिक समानता कभी नहीं आ सकती है, सबको समान कभी बनाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ इतना किया जा सकता है कि हम ऊपर वाले को थोड़ा दबा दें और नीचे वाले को थोड़ा उठा दें, तो ये जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है ये थोड़ा कम हो जाए। लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसी दिशा में प्रयास करता है। अमीरों के ऊपर जो है टैक्स लगाता है, जो सक्षम है उनके ऊपर टैक्स लगा करके उस पैसे का उपयोग जो है वो गरीबों के विकास के लिए करता है, जिससे समाज में आर्थिक समानता आ जाए। इसके अलावा ये राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। कल्याणकारी राज्य में शासन में जनता की भागीदारी होती है, यानी जनता जो है वो चुनाव लड़कर के शासन में जा सकती है, ऐसी उनकी स्वतंत्रता होती है। ये कल्याणकारी राज्य में विशेषता होती है। और जो शासन होता है वो जनहित में होता है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य को ज़्यादा अपनाया जाता है, इसलिए लोकतंत्र अगर है तो वहाँ शासन जो है जनता के हित में होगा। नाम ही है कल्याणकारी राज्य, तो ऐसा राज्य जनता के हित में शासन करे, तो शासन कहाँ होगा, जनता के हित में होगा। यह लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो लोकतंत्र का आधार होता है, क्योंकि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो लोग धांधली करके जीत जाएंगे, तो परिणाम ये होगा कि लोकतंत्र की आत्मा खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र में जो सबको सहभागिता के अवसर मिलता है, लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने शासक सरकार को चुनने का जो अधिकार मिलता है, अगर वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कल्याणकारी राज्य में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। ये अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत समाज में नागरिकों में भेदभाव नहीं होता है, किसी में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, सारे नागरिक समान माने जाते हैं। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं। एक बड़ा व्यक्ति जो है अगर कोई अपराध करता है उसको भी वही सजा मिलेगी छोटा व्यक्ति करता है, तो वहाँ पर सामाजिक समानता होती है, समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। और अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी छुआछूत भी नहीं होगा किसी भी रूप में, न तो जात के आधार पर, न तो धर्म के आधार पर, न तो रंग के आधार पर। कल्याणकारी राज्य जो है हर प्रकार की छुआछूत का अंत करना चाहता है, ये इसकी विशेषताएँ हैं। तो कुल मिला जुलाकर कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषताएं होती हैं ये आपको समझा दिया गया है। आप काफ़ी कुछ इसमें समझ रहे हैं, इसलिए बहुत विस्तार से इस पर जाना ठीक नहीं है। अब देखिए कल्याणकारी राज्य के कार्य, कल्याणकारी राज्य के अनुसार राज्य को क्या करना चाहिए या कल्याणकारी राज्य क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कल्याणकारी राज्य की क्या कार्य हैं, इसको समझने से पहले मैं एक लाइन से बताऊँगा कि राज्य के क्या कार्य होते हैं। ये आपको जब पढ़ाया गया था राज्य नामक वीडियो मेरा पहला आया था, तो उसमें आपको बताया गया था कोई भी राज्य हो, चाहे वो कल्याणकारी हो या कोई भी राज्य हो, वो दो प्रकार के कार्य करता है, एक अनिवार्य कार्य करता है और एक अच्छे कार्य करता है। अनिवार्य कार्य राज्य के वे कार्य होते हैं जिसको करना राज्य के लिए मस्ट है, कंपल्सरी है। अगर इसको नहीं करेगा राज्य तो अपना अस्तित्व खत्म कर देगा, वो खत्म हो जाएगा, वो टिक ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इस कार्य को करना तो सभी राज्य के लिए अनिवार्य है। और अच्छे कार्य वे होते हैं जिसको करना या न करना राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई राज्य जो है अच्छे कार्य को कर रहा है तो वो कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ रहा है। और कल्याणकारी राज्य में ये समस्त कार्य होते हैं। कोई भी राज्य हो मैंने कहा वो अनिवार्य कार्य तो करेगा, अच्छे कार्य करना या ना करना उसकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन अगर कोई राज्य अनिवार्य कार्य और अच्छे कार्य दोनों कर रहा है, इसका मतलब वो लोक कल्याणकारी राज्य है। और लोक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य हम लिखेंगे उसमें अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों कार्य आते हैं। तो देखते हैं, एक मिनट जल्दी से देखते चले जाएंगे क्योंकि इसके विषय में वीडियो बन चुका है। विस्तार से चाहते हैं तो राज्य नामक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो देखिए राज्य के अनिवार्य कार्य में क्या क्या आते हैं, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाए रखना। मैंने कहा ये वो कार्य हैं जो राज्य नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। तो बाह्य आक्रमण से अगर कोई देश राज्य अपनी रक्षा करने के लिए व्यवस्था नहीं करेगा, मिलिट्री सेना नहीं रखेगा, तो वो नष्ट हो जाएगा, उस पर दूसरे देश कब्जा हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें जितने कुछ हैं वो सब अनिवार्य कार्य आते हैं। आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, हर राज्य जो है अपने यहाँ आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करती है ताकि समाज में शांति रहे और शांति में ही विकास है। इसके लिए पुलिस न्यायालय सबकी व्यवस्था करती है। मुद्रा का प्रबंध करना, हर राज्य जो है मुद्रा को खुद कंट्रोल करती है, हर राज्य की अपनी एक मुद्रा होती है, करेंसी छापना वो राज्य के अधिकार में होता है। अब मुद्रा का प्रबंध करना ये राज्य के अधीन होता है। अगर राज्य ऐसा नहीं करेगा तो हर व्यक्ति जो है घर में टकसाल बना लेगा, हर घर में मुद्रा छापने की मशीन आ जाएगी और सब मुद्रा छाप छाप करके मुद्रा का वैल्यू ही खत्म कर देंगे।
तो इसलिए मुद्रा का प्रबंध करना ये राज्य का दायित्व है। अगर राज्य ऐसा नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। टैक्स वसूल करना, कर संग्रह करना, क्योंकि राज्य जो सेना मिलिट्री पुलिस सब रखते हैं इसके लिए उनको पैसा लगता है, और ये पैसा कहाँ से आएगा, ये टैक्स से आएगा। इसलिए टैक्स भी वसूल करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो रह ही नहीं पाएगा। भाई फ्री में कौन काम करेगा, सेना में कौन रहेगा, सिपाही तो कहेगा हम भाग जाएंगे पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर तो उसके लिए टैक्स वसूल करना जरूरी होता है। ठीक है, न्याय की व्यवस्था करना। अब न्याय की व्यवस्था आंतरिक शांति और सुरक्षा में आ गया। ठीक है, कि प्रत्येक राज्य का जो अनिवार्य कार्य है न्याय की व्यवस्था करना, इसके लिए न्यायालय पुलिस की व्यवस्था जो है राज्य करता है। तो ये अनिवार्य कार्य हैं जिसको कि लोक कल्याणकारी राज्य भी करता है और अन्य राज्य भी करते हैं। अब लोक कल्याणकारी राज्य कौन बनता है उसके ये ऐच्छिक कार्यों को, जो राज्य ऐच्छिक कार्य भी कर रहा है वो लोक कल्याणकारी राज्य में आ जाएगा। क्योंकि ऐच्छिक कार्य जो है जितने दिए गए हैं ये जनता की भलाई के लिए होते हैं। शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, उद्योग धंधों का विकास करना, कृषि की व्यवस्था करना, कि नहरों की सिंचाई की व्यवस्था करना, यातायात और सड़क की व्यवस्था करना, असहायों की सुरक्षा प्रदान करना, जो निर्बल हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनके लिए व्यवस्था करना, ये सारे के सारे कार्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य करता है। और इसके अलावा जितने भी और कार्य सोच सकते हैं कि राज्य जो है ये भी करता है, वो सारे के सारे कार्य जो है इसको छोड़ करके जितने भी कार्य आप सोच सकिए वो सारे के सारे ऐच्छिक कार्य में आएंगे, और ऐच्छिक कार्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य माने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समस्त कार्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य में ले सकते हैं। यदि आप कहीं पढ़ रहे हैं, BUA कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके हेडिंग बन जाएंगे। और यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी इसे आपका बेस तैयार करेगा, और बेस आपका क्लियर रहेगा तो कभी पूछ सकता है कल्याणकारी राज्य क्या करता है क्या नहीं करता है, तो आप इसको अच्छे से बता सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और लोक कल्याणकारी राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करने का इस वीडियो में प्रयास किया गया है, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।